दिवाली के इस शुभ अवसर पर अपनी ओर से आपको भी, समस्त पॉलिसी धारकों को और निगम के जितने भी कर्मचारी अधिकारियों सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दिवाली शुभ रहे और आप और आपका पूरा परिवार हमेशा उन्नति प्रगति करता रहे। आप किसी तरह का कोई कष्ट आपको ना हो। एक बार पुनः आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रदेशवासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर, समस्त भारत के प्रदेशवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारतवर्ष पर धन वर्षा करें। माँ सरस्वती से ये आशा करते हैं कि सबको विद्या और बुद्धि दे। इसी हर्ष के विषय को लेते हुए यही निवेदन करना चाहता हूँ कि दीपावली बहुत ही प्रसन्नता के साथ और खुशी खुशी प्रदेशवासी मनाए और सदैव पूरे भारतवर्ष की जनता खुश रहे, इसी कामना के साथ। सारे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। आर्थिक मंदी के दौर में लक्ष्मी जी सब पे मेहरबानी करे, कृपा करे, सबके घर में खुशियाँ आए। मुझे पता है लोगों के चेहरे पर मायूसी है, मनी ट्रांजेक्शन रुका हुआ है, देश और प्रदेश के हालात खराब है। नई रोशनी की शुरुआत के लिए मैं सब प्रदेशवासियों से कहूँगा, नया फैसला कीजिए, परिवर्तन के लिए। परिवर्तन ऐसा हो कि सरकार बने कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार के बाद नई रोशनी के साथ एक बार फिर हम जब 7 दिसंबर को वोट करें तो फिर 11 दिसंबर को जब रिजल्ट आए तो दिवाली मनाएं, और दिवाली विजय की हो, कांग्रेस विजय की हो, जिससे देश जीते, प्रदेश जीते और राजस्थान की जनता, देश की जनता के चेहरे पर मुस्कान आए। जिन लोगों ने दिवाली खराब की उनको सबक मिले और लोकतंत्र मजबूत हो। सब प्रदेशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत जयपुर वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे भाइयों और सभी बहनों और मेरे छोटे भाइयों सबको मैं मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।